हेलो दोस्तों, शिवानी आर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ी सी इधर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ लाइव। लेकिन ये अपलोडेड वीडियो आप सभी के लिए और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो क्लास को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगामी जो भी आर्ट एग्ज़ाम होंगे, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी इसे ज़रूर से देखें। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय सम्मान कलाभूषण 2019 निम्न में से किसको दिया? राजेंद्र पुंडीर होंगे, सीताराम कश्यप होंगे, जयकृष्ण अग्रवाल होंगे, राजेंद्र प्रसाद। साथ में आप भी आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजेंद्र पुंडीर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक कला प्रदर्शनी में विजेता को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी है? 50,000 रुपये होगी, 1,00,000 रुपये होगी, 1,50,000 रुपये, 75,000 रुपये। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1,00,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी जिन्होंने दिया उनका आंसर सही होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पुजारी औरतें 1929 ईस्वी में टेम्परा में ये चित्र किसने बनाया है? राजा रवि वर्मा, शैलोज मुखर्जी, रामकिंकर बैज, यामिनी राय। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यामिनी राय। पुजारी औरतें ये जो चित्र है यामिनी राय के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन डी जितने लोगों ने आंसर दिया सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलें क्वेश्चन नंबर 4, सतीश गुजराल की प्रसिद्ध कृति है शिव पार्वती 1968 में सिरेमिक रिलीफ कहाँ पर संग्रहित है? चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा, पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में। सतीश गुजराल की कृति है शिव पार्वती, ठीक है, याद रखिएगा। ये 1968 में इन्होंने बनाया, सिरेमिक रिलीफ में बनाया है, और ये कहाँ पर संग्रहित है? चंडीगढ़ म्यूजियम चंडीगढ़ में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली के लेखक कौन होंगे? वैसिली कैंडेंस्की होंगे, साल्वाडोर डाली होंगे, पाब्लो पिकासो, एनएस बेंद्रे। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, साल्वाडोर डाली। राइट आंसर बी, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली। यहाँ पर प्रश्न में ही आंसर आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग अगर आप एग्जाम में लगाते हैं तो, ये साल्वाडोर डाली का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, बनारस श्रृंखला के रचनाकार कौन होंगे? रवि वर्मा होंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, या फिर दिलीप दास गुप्ता। तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिलीप दास गुप्ता। एक बनारस श्रृंखला जो है ये, इसकी रचना किसने की है? दिलीप दास गुप्ता, ऑप्शन डी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम अलकाजी होंगे, के एस कुलकर्णी, अमृता शेरगिल, गीता कपूर। तो त्रिवेणी कला संगम जो कि नई दिल्ली में 1948 में स्थापित हुआ, और इसकी स्थापना किसने की थी? बिल्कुल के एस कुलकर्णी हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर जिन्होंने आंसर लगाया सही हो जाएगा। आप लोग साथ में आंसर जरूर करते हुए चले, वीडियो को पॉज करके आंसर लगाएं, ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिष्ठित अबन गबन पुरस्कार किस कला संस्था द्वारा दिया जाता है? विश्व भारती शांति निकेतन होगा, भारत कला भवन बीएचयू वाराणसी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, रूप शिल्प कला संस्थान प्रयागराज। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विश्व भारती शांति निकेतन। जैसे ही तबीयत थोड़ा सा ठीक हो जाएगी तो आपकी कला परीक्षा पॉइंटर 4 PM पर फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी, जो भी चैप्टर उसमें रह गए हैं वो जल्दी से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए।
नीलिमा शेख, नसरीन मोहम्मदी, मृणालिनी मुखर्जी, अनुपम सूद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है, नसरीन मोहम्मदी, जिन्होंने आंसर बी लगाया है सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन ऑफ साहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी होंगे, स्टेला क्रैमरिश होंगे, डॉक्टर एस एस भाटी होंगे, प्रेमचंद गोस्वामी होंगे। तो जर्नी ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपोजिशन ऑफ साहनीज ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी, ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर एस एस भाटी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाई थी? किसने पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाई थी? ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए फटाफट। विवान सुंदरम, जय झरोटिया, गुलाम मोहम्मद शेख, ही रामचंद्रन। राइट आंसर ऑप्शन ए, विवान सुंदरम। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर सही होता है, विवान सुंदरम। ठीक है, पाब्लो नेरुदा की कविताओं पर पेंटिंग्स बनाने वाले कौन है? विवान सुंदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथनिक आर्ट का संबंध किससे है? विश्वव्यापी कला, पुरातन कला, आधुनिक कला, लोक कला। क्वेश्चन नंबर 12, तो एथनिक आर्ट जो होता है इसका संबंध किससे है? पुरातन कला से। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? अमृता शेरगिल, मैरी कैसेट, अमृत कौर, रविंद्र कौर, ओक्साना ग्रिगोरीवा ने। किसने अपनी रचना में अमेरिकी अभिनेता मेल गिब्सन को चित्रित किया है? तो ये हैं अमृत कौर, रविंद्र कौर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अमृत कौर, रविंद्र कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? लंदन है, दिल्ली है, रोम है, पेरिस है। इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी तो ये कहाँ पर है? लंदन में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी। रौंदा, हिम्मत शाह, शंकु चौधरी, सोमनाथ होर। आंसर लगाइए फटाफट। एक ऐसे मूर्तिकार जिनकी कला से प्रेरणा पाकर हिंदी के श्रेष्ठ कवियों ने कविताएं लिखी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, हिम्मत शाह आपका आंसर हो जाएगा, हिम्मत शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्ति शिल्प किसने बनाए हैं? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर बैज, हिम्मत शाह, मृणालिनी मुखर्जी। हेड शीर्षक के अंतर्गत टेराकोटा श्रृंखला के मूर्ति शिल्प बनाने वाले कौन हो जाते हैं? तो ऑप्शन सी हिम्मत शाह ने बनाया है, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। तो हेड शीर्षक के अंतर्गत ये जो बनाया है हिम्मत शाह ने, टेराकोटा श्रृंखला के मूर्ति शिल्प बनाया, तो हिम्मत शाह राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किस कलाकार को डायरी लिखने का बड़ा शौक था? प्रदोष दास गुप्ता, नसरीन मोहम्मदी, भूपेन खक्कर, विमान सुंदरम। राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, नसरीन मोहम्मदी। किस कलाकार को डायरी लिखने का शौक था? तो वो है नसरीन मोहम्मदी। ऑप्शन बी आंसर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने के लिए कौन मशहूर हैं? तो समकालीन घटनाओं पर धारदार कार्टून बनाने वाले कलाकार हैं विवान सुंदरम होंगे, गोगी सरोज पाल होंगे, अंबा सान्याल या फिर शेखर गुरेरा। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो बिल्कुल यहां पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शेखर गुरेरा राइट आंसर होंगे। धारदार कार्टून बनाने के लिए फेमस हैं ऑप्शन डी, शेखर गुरेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एकला चलो रे इंदिरा गांधी 1985 में बना जलरंग माध्यम में चित्रकार कौन है? एकला चलो रे, तो चलिए बताइए आंसर, एस एच रजा होंगे, एम एफ हुसैन होंगे, राम कुमार होंगे, के एस कुलकर्णी। किसने बनाया है? तो एकला चलो रे ये जो चित्र है वो किसने बनाया है? तो ये बनाया है एम एफ हुसैन ने, ठीक है, 1985 में जलरंग माध्यम में। ऑप्शन बी, मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने 1628 ईस्वी में अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में बनवाया था, एतमाउद्दौला का मकबरा होगा, अकबर का मकबरा, ताजमहल, कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए फटाफट। 20 का यहाँ पर ऑप्शन ए, एतमाउद्दौला का मकबरा, तो ए आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगरा का वह मकबरा जिसे जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था 1628 में अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की स्मृति में, तो वो कौन सा मकबरा है? एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन थे? कृष्ण खन्ना, एफ एन सूजा, रवि वर्मा, एस एच रजा। भारत में एक्रेलिक रंगों का बहुलता से प्रयोग करने वाले कलाकार कौन होंगे? तो ऑप्शन बी, एफ एन सूजा, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र को किस चित्रकार ने बनाया है? निहाल चंद, मौलाराम, मानकू, नैन सुख, राइट आंसर ऑप्शन डी, नैन सुख, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वह दादावादी व अति यथार्थवादी कलाकार जिसने फ्रोताज, ग्रेताज और कोलाज में प्रयोग किया, पिकासो, मैक्स अर्नस्ट, देगा, मातिस, राइट आंसर ऑप्शन बी, मैक्स अर्नस्ट, तो बी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम एफ हुसैन है, रामकुमार, जहांगीर, सबावाला, राजा रवि वर्मा, कौन होंगे? तो यहाँ पर जहांगीर, सबावाला जो हैं, इनको क्या कहा जाता है? कला जगत का जेंटलमैन आर्टिस्ट कहा जाता है जहांगीर, सबावाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्न में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, ए एल श्रीवास्तव, सी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सेरीग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? लेटर प्रेस, ग्रेव्योर प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन, लिथोग्राफी। तो सेरीग्राफी शब्द ये जो है किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त होता है? सिल्क स्क्रीन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, तो वो हैं औरंगजेब, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाता है, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती कौन था? भविष्यवाद घोषणा पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता, या फिर अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? इरविन, नवाब अस्फाउद्दौला, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक।
लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? आंसर आप लोग जरूर से लगा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर सभी को देना है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। और जितने स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं इस क्लास को, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि सभी लोग एक लाइक एंड एक शेयर जरूर से इस क्लास को शेयर कर देंगे, सभी तक पहुँचा देंगे। और आप सभी से कुछ नहीं बोला जाता, केवल लाइक एंड शेयर। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, पास में जो घंटी का बटन है उसको भी क्लिक कीजिएगा, जिससे क्या होगा हमारे जो भी क्लासेस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस क्लास के एंड में आपको और भी क्लासेस का लिंक मिलता है, वो जरूर से देख लिया करें। क्वेश्चन नंबर 31 में आ चुके हैं। निर्माणाधीन लघु फिल्म है खाली कैनवास, जिसके निर्देशक कौन है? राकेश गोस्वामी हैं। और किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो बताना है राम विस्तार होंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी, प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट या फिर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। ये जो खाली कैनवास फिल्म है, लघु फिल्म, ये डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है, जो कि एक फेमस आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सेकेंड एक्ट तैलचित्र किसका होगा? एमएफ हुसैन होंगे, एफएन सूजा होंगे, एसएच रजा, राम कुमार। सेकेंड एक्ट, तो सेकेंड एक्ट किसका है? ये है एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, एम एफ हुसैन ने द हॉर्स दैट रेज्ड 100x75 cm किस माध्यम में बनाया है? टेम्परा, एक्रेलिक, तैल, जल। तो ये बनाया है इन्होंने तैल माध्यम में, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। द हॉर्स दैट रेज्ड एम एफ हुसैन के द्वारा बनाया गया है, तैल माध्यम में बनाया गया है, इसकी माप है 100x75 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कृष्णा रेड्डी के बाद एटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? कमल कृष्ण, एम एफ हुसैन, सोमनाथ हो, शिखा सिंह। कृष्णा रेड्डी के बाद एटेलियर 17 में काम करने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? तो ये हो जाएंगे कमल कृष्ण, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लू नाइट तैल के चित्रकार कौन है? नसरीन मोहम्मदी, कृष्ण खन्ना, एम एफ हुसैन, एफ एन सूजा। ब्लू नाइट तैल माध्यम के जो चित्रकार हैं कौन हो जाएंगे? एम एफ हुसैन। ये चित्र किसने बनाया था? एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, द स्ट्रेंजर तैल माध्यम में बना शीर्षक चित्र किसने बनाया है? द स्ट्रेंजर, कृष्णा खन्ना, सोमनाथ होर, एम एफ हुसैन, पॉल क्लिक। राइट आंसर ऑप्शन ए, कृष्णा खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र जिसे कानपुर के निवासी श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था, बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, पायनियर, दैनिक जागरण। तो हिंदी भाषा का जो पहला साप्ताहिक पत्र है ये कानपुर से प्रकाशित किया गया, और कानपुर के जो निवासी हैं, ठीक है, कोलकाता से प्रकाशित किया गया, सॉरी, याद रखेंगे, हिंदी भाषा का पहला साप्ताहिक पत्र है ये कोलकाता से प्रकाशित किया गया था, जिसे कानपुर के निवासी थे श्री जुगल किशोर शुक्ला, उन्होंने प्रकाशित किया था, ठीक है। लेकिन वो पत्र कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा उदंत मार्तंड, ठीक है। हिंदी भाषा का पहला ये साप्ताहिक पत्र था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, गगनेंद्रनाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के हैं? स्याही रेखा चित्र है, टेम्परा चित्र है, जल रंग चित्र है या फिर तैलीय चित्र। तो गगनेंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इन्होंने घनवादी चित्र बनाए हैं, और ये किस तकनीक के हैं? स्याही रेखा चित्र, ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39, रिमेंबरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन किसका है? नलिनी मलानी, प्रवीर गुप्ता, विमान सुंदरम, एम एफ हुसैन। रिमेंबरिंग सोटीन इंस्टॉलेशन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीर गुप्ता। रिमेंबरिंग सोटीन ये जो इंस्टॉलेशन है ये बनाया है प्रवीर गुप्ता ने, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? भेलसा में है, सांची में है, मुंबई या फिर हैदराबाद। तो उदयगिरी की गुफाएं जो हैं ये भेलसा है, ऑप्शन ए आपका आंसर राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध चित्र मेघदूत टेम्परा में बना किसका है? रामगोपाल विजयवर्गी, तैयब मेहता, कृपाल सिंह शेखावत, गोवर्धन लाल जोशी। तो मेघदूत जो है ये रामगोपाल विजयवर्गी ने बनाया है टेम्परा माध्यम में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र परिवार ये भी आपका टेम्परा में बनाया गया चित्र है, किसके द्वारा बनाया गया? रामगोपाल विजयवर्गी, नित्यानंद महापात्र, कृपाल सिंह शेखावत, द्वारका प्रसाद शर्मा। तो पवित्र परिवार ये चित्र है नित्यानंद महापात्र के द्वारा बनाया गया है टेम्परा माध्यम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, गुरुदेव रविंद्रनाथ को उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था बताइएगा, 1901 में, 1919 में, 1913 या फिर 1921। तो याद रखेंगे 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द्वारका प्रसाद की पेंटिंग हॉर्स 90x150 सेंटीमीटर किस माध्यम में है? जल माध्यम, तैल माध्यम, टेम्परा या फिर एक्रेलिक। तो द्वारका प्रसाद की पेंटिंग है हॉर्स, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है किसकी पेंटिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तैल माध्यम में निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, प्रसिद्ध चित्र अभिसारिका यहाँ पर माप दी है किसका होगा? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो अभिसारिका किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है किसके द्वारा बताएंगे, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? जल माध्यम, पेस्टल माध्यम, तैल माध्यम या फिर टेम्परा माध्यम। तो रोगन करना किस माध्यम में है? तैल माध्यम में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होता है, तैल माध्यम में रोगन करना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है आपका क्राइज अनहर्ड, ठीक है, अनसुनी चीखे। 1958 ईस्वी में इसके मूर्तिकार बताइएगा, पीवी जानकीराम, हिम्मत शाह, धनराज भगत, अमरनाथ सहगल। तो आंसर राइट हो जाता है, अमरनाथ सहगल के द्वारा ये मूर्ति बनाई गई, ठीक है, क्राइज अनहर्ड, ऑप्शन डी आंसर राइट होता है, 1958 में उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रसिद्ध भारतीय प्रिंटमेकर ने एटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त किया है? मुकुल डे, कृष्णा रेड्डी, कृष्णा खन्ना, सनतकर। एटेलियर 17 में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले भारतीय प्रिंटमेकर रहे हैं कृष्णा रेड्डी, ऑप्शन बी आंसर राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, ब्राइड टॉयलेट वधु का श्रृंगार किसने चित्रित किया? मकबूल फिदा हुसैन, रामकुमार, अमृता शेरगिल, केजी सुब्रमण्यम। तो वधु का श्रृंगार कहें या फिर ब्राइड टॉयलेट कहें, ये बनाया है अमृता शेरगिल ने, ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाता है। और अमृता शेरगिल एक ऐसी कलाकार है जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन आर्ट वर्क इन्होंने बनाए हैं और उसी के कारण इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा रही, ठीक है। और इनके जो चित्र थे उनमें विषाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट का क्वेश्चन, बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प 100x180 सेंटीमीटर 1956 में बनाई गई ये कृति के कृतिकार कौन है? बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, बीरेन डे, एम एफ हुसैन, एस एच रजा, राम कुमार। और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज की ये जो क्लास है, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल पे नए जुड़े हों तो आप सब्सक्राइब कर लें, या फिर अगर आप पहले से भी क्लासेस देख रहे हों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन को प्रेस कीजिए डेली की क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए। डेली यहाँ पर 4 PM आपको लाइव क्लासेस दी जाती हैं। अभी ये क्लासेस थोड़ी सी स्वास्थ्य प्रॉब्लम की वजह से मैंने बंद कर रखी हैं, तो ये 4 PM पे लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेंगी, और इसके साथ अपलोडेड वीडियो भी आते रहते हैं, तो उनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम पे आ जाते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को क्लिक करें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लगे रहें, अपनी तैयारी करते रहें, मोटिवेटेड रहें, ठीक है? बिल्कुल भी समय अपना वेस्ट ना करें। जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा तो आप बेहतरीन ढंग से अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।